हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने चेहरे के रंग को साफ करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, या अगर आपके स्किन पे पिंपल सेकने की समस्या हो गई है, झाइयों की समस्या है, रिंकल चुड़ियों की समस्या है, या आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल की समस्या है, या आपके चिन एरिया पे डार्कनेस है, कालापन है, चेहरे का रंग सांवला है, या आपकी स्किन लूज पड़ गई है, स्किन को टाइट बनाना चाहते हैं, तो इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव स्किन व्हाइटनिंग एंड स्किन टाइटनिंग फेस पैक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी स्किन का रंग बहुत जल्दी साफ होने लगेगा, गोरा हो जाएगा और आपकी स्किन जो है बहुत ही ज्यादा टाइट बनेगी। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इस फेस पैक को बनाना बताती हूँ। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए जो हम इसमें फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, उसके लिए आपको बेसन का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बेसन जो है ब्यूटी क्वीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जो है आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है, आपके रंग को साफ करता है। और काफ़ी पुराने समय से उपटन में बेसन का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि बेसन जो है, बेसन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके चेहरे से जितने भी दाग धब्बे होते हैं सबको खत्म करते हैं, आपके चेहरे की स्किन को टाइट बनाते हैं, रिंकल चुड़ियों की समस्या छुटकारा दिलाता है। और इसके प्रयोग करने से आपके चेहरे का रंग बहुत ही ज़्यादा साफ होने लगता है। इसलिए अगर आप विश्वास करोगे, अगर बेसन का प्रयोग करते हैं, बेसन से अपने फेस को धोते हैं, तो काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। यहाँ पे जो हम सेकेंड इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, उसके लिए आपको हल्दी का प्रयोग करना है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके स्किन पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करते हैं, किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया उसको दूर करने का काम करते हैं, और ये आपके चेहरे पे जो भी दाग धब्बे होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है। तो हल्दी जो है काफ़ी सारे क्रीम में भी यूज किया जाता है, क्योंकि हल्दी भी आपके सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। और जिनको पिंपल सेकने की समस्या होती है, उनको काफ़ी फायदेमंद होता है हल्दी का प्रयोग करने से। दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना। इसमें हम जो थर्ड और मेन इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, उसके लिए आपको नींबू का प्रयोग करना है। नींबू बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, नींबू जो है आपके चेहरे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो है साइट्रिक एसिड और विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है, स्किन को टाइट बनाता है, और यह जो है एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, जिससे आपके जो चेहरे पर जो फेशियल हेयर होते हैं, जो छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको ब्लीच करके आपकी स्किन के कलर का करता है। और ये विटामिन सी के होने की वजह से आपके चेहरे पे टाइटनेस भी बनाता है और ग्लो भी बनाए रखता है। तो इस फेस पैक को आपको नींबू के रस में ही तैयार करना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो नींबू का रस ज़्यादा, तो आप इसमें जो है गुलाब जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नींबू का रस ही प्रयोग की हूँ। और इस फेस पैक को हम नींबू के रस में ही तैयार करेंगे, तो इसलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपको एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो हमारा जो ये पैक है बिल्कुल ही रेडी हो गया है, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे अप्लाई कैसे करना है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको पहले अपने फेस को धो लेना है फेस वाश से, उसके बाद आपको इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाना है अपवार्ड डायरेक्शन में। जब भी आप इसका प्रयोग करें किसी भी फेस पैक का, तो हमेशा अपवार्ड डायरेक्शन में लगाएं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। उंगली को अपने फिंगर से लगा रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी स्किन जो है लूज पड़ने लगती है और रिंकल चुड़ियों की समस्या भी जल्दी होने लगती है आपके चेहरे पे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है, और आप जो है इस बेसन और हल्दी का जो मिक्सचर है, आप इसे रेडी करके और मिक्स करके एक डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब चाहे तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं फेस वाश के तौर पर। आपको एक दो मिनट मसाज करना है, 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है सूखने के लिए। यहाँ पे मेरा जो पैक है, मैंने 20 मिनट रखा था और पैक बिल्कुल ही सूख गया है। सूखने के बाद आपको बिल्कुल ही टाइटनेस फील होगा आपकी स्किन, आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है। आपको इसे रिमूव करने के लिए अपने हाथों को गीला करना है पानी से, और इसे जो है मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज आपको मसाज करना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपके स्किन पर डर्ट गंदगी होगी, जो भी डेड स्किन होती है, जो झुर्रियों की समस्या होती है, इस तरीके से रब करने से वो सब जो है निकल जाती है डेड स्किन, और जो भी गंदगी मैल होती है वो भी रिमूव हो जाती है। छोटे छोटे जो पिंपल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स, वो भी निकल जाते हैं इस तरीके से अगर आप रिमूव करते हैं। तो इसके बाद आपको सादे पानी से धो लेना है। धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, धोने के बाद आप खुद देख सकते हैं इसका रिजल्ट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। जहां तक मैंने इस फेस पैक को यूज किया था, वहां तक की स्किन काफी साफ दिखाई दे रही है। मैं इसका रिजल्ट खुद ही देख पा रही हूँ, कैमरे में शायद अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। तुरंत आपके स्किन पे ग्लो आएगा, आपकी स्किन का रंग साफ दिखाई देगा और स्किन टाइट भी दिखाई देगी। तो बहुत ही इफेक्टिव और मैजिकल फेस पैक की तरह काम करता है। तो अगर आप इसे वीक में 3 से 4 बार प्रयोग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन का रंग साफ होगा, स्किन टाइट बनेगी। तो आप इस फेस पैक को जरूर यूज कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।